जेल में रेप के आरोप की सजा काट रहे आसाराम बापू के पोस्टर को लेकर कांग्रेस की महिला विंग आक्रामक हो गई है। बुधवार को नागपुर के बैद्यनाथ चौक पर एक धार्मिक कार्यक्रम को लेकर मुख्य चौराहा पर होर्डिंग लगाया गया है। इस बैनर में आसाराम बापू की तस्वीर को लेकर नागपुर शहर कांग्रेस की महिला अघाड़ी भड़क गई और कार्यकर्ताओं ने आसाराम के पोस्टर पर काली कूद कर विरोध प्रदर्शन किया। महिलाओं का कहना है कि आसाराम बापू पर नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का आरोप है, ऐसे में धार्मिक कार्यक्रम में उनकी तस्वीर भावना भड़काने वाली है, लिहाजा आसाराम बापू की तस्वीर हटाने और कार्यक्रम के आयोजकों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई। इस देश में महिलाओं की कोई भी इज्जत नहीं है, ये पोस्टर से आपको पता लग जाता है। जो बलात्कारी है, जो सजा काट रहा है, इस देश की न्यायपालिका ने जिसको सजा दी है, उसके आप बड़े बड़े होर्डिंग शहर में लगा रहे हो और कह रहे इसको माता पिता का दिवस मनाया जाए। सच्चा प्रेम ये किसने कहा का इंसाफ है? और अपने माता पिता दिवस यानी हमारे माता पिता का चरित्र क्या ऐसा रहेगा? यहाँ पर जिस तरीके से ये होर्डिंग्स लगाए गए, नागपुर में और भी बहुत सारी जगह से होर्डिंग्स लगाए गए, नागपुर महिला कांग्रेस इसका पूरी तरीके से निषेध करती है, क्योंकि हम नागपुर महिला कांग्रेस महिलाओं के सम्मान में काम करते हैं और किसी भी रेपिस्ट के तो हम वोट शहर में लगने नहीं देंगे, और जहां पर भी होंगे और जो इसके आयोजक है हम वहां पर भी जाके हल्ला करेंगे और यहां के नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में भी बोलेंगे कि ये कौन सा न्याय है जिसको न्यायाधीश ने, इस देश की न्यायपालिका ने सजा दी है और जो सजा काट रहा है, जिसने कितनी बच्चियों का जीवन बर्बाद कर दिया, कितनी महिलाओं के साथ रेप किया, ऐसे आदमी के पोस्टर हमारे शहर में। तो शर्म आती है मुझे कि नागपुर से यहाँ पर डिप्टी सीएम उप मुख्यमंत्री नागपुर से है देवेंद्र फडणवीस जी को थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए कि ये क्या हो रहा है। यानी आपने ये सिद्ध कर दिया कि आप बलात्कारियों के फेवर में ही रहते हो, आप उन्हीं के पक्ष में रहते हो। तो ये नागपुर महिला कांग्रेस और मेरी महिला कांग्रेस की सभी पदाधिकारी कोई भी ये बर्दाश्त नहीं करे। मैडम आपने क्या किया, क्यों किया, कारण बताइए। कारण मैंने भी दे दिया सर कि जिस तरीके से एक रेपिस्ट के जो पोस्टर शहर में लग रहे, और एक अच्छी चीज ये भी सुनने में आ रही है कि लोग उसको बाबा बाबा करके कर रहे। काय का बाबा, काय का बापू? हमारे सिर्फ महात्मा जी ही हमारे बापू है। ये अपने मुंह में मिट्टू बनता है आसाराम, और आप देखिए वहां पर फोटो में भगवान के फोटो छोटे हैं, मतलब आसाराम इतना बड़ा हो गया कि उसने अपने फोटो बड़ा लगवा दिया और भगवान के फोटो छोटे, मतलब क्या हो रहा है ये, क्या चिचोरापन हो रहा है ये। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहट के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।